अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे गोल्डन पर्ल के न्यूली लॉन्च सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाला हूं। गोल्डन पर्ल ने चार तरह के सनस्क्रीन जो है ना अभी लॉन्च किए हैं, रिसेंटली ही लॉन्च किए हैं। पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे और प्राइस की बात करेंगे और सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सनस्क्रीन लगाना क्यों ज़रूरी होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज मैं छत पे वीडियो जो है ना वो शूट कर रहा हूँ। तो पहले जान लेते हैं सनस्क्रीन लगाना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, सन से जो है ना वो तीन तरह की यूवी रेज आती हैं, यूवी ए रेस, यूवी बी रेस और यूवी सी रेस। जो यूवी सी रेस होती है ना, वो अर्थ के एटमोसफेयर से ऊपर ही ब्लॉक हो जाती है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज होती है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। जो दो हार्मफुल रेज हमारे तक पहुंचती है ना, उनमें जो है ना वो एक यूवी ए रेस है और यूवी बी रेस है। यूवी बी रेस जो होती है ना, वो शॉर्ट रेस होती है। यही रेस होती है जिसकी वजह से टैनिंग होती है, डलनेस होती है, सनबर्न हो जाता है, हमारी स्किन झुलस जाती है, जल जाती है, ठीक है ना। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों की स्किन जल जाती है। अगर आपने कुछ भी नहीं ना करना स्किन केयर रूटीन में, तो सनस्क्रीन लाजमी है, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कोई भी आपने नाइट क्रीम नहीं लगानी, सीरम नहीं लगाना, सनस्क्रीन ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा एम्फरसाइज करता हूँ अपनी हर एक वीडियो में, अपने हर एक कस्टमर को कहता हूँ कि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप कोई नाइट क्रीम के रिजल्ट्स को भी मेंटेन रखना चाहते हैं, तो फिर भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, सनस्क्रीन लाजमी लगाना है, ठीक है ना। और जो दूसरी यूवी रेस होती है ना, वो यूवी ए रेस होती है। यूवी ए रेस होती है ना, ये शॉर्ट रेस होती है। इसकी वजह से जो है ना, ये स्किन के अंदर जाती है। ये लॉन्ग रेस होती है, सॉरी, ये जो यूवी ए रेस होती है ना, वो लॉन्ग रेस होती है। ये स्किन के अंदर तक जाती है और अंदर से जाके सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज करती है, जिसकी वजह से रिंकल, फाइन लाइंस और प्रीमैच्योर एजिंग आती है हमारी स्किन पर। तो सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है। ये जो इनका सनस्क्रीन है ना, गोल्डन पर्ल वालों का, इसमें दो साइज़ हैं और प्राइस जो इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो पहले देखते हैं कि जो चल रही है मार्केट में सनस्क्रीन, उसकी प्राइस क्या है, तो उसके साथ कंपैरिजन करके कम रखते हैं थोड़ा सा रेट। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, इनको कम करना चाहिए रेट, क्योंकि इतना किसी भी जो ब्रांड चल रहे हैं उनका इतना रेट नहीं है, ठीक है ना। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, पैराबिन फ्री है और इन्होंने लिखा है कि ये ट्रिपल लाइट प्रोटेक्शन है, मतलब कि डिजिटल लाइट से भी प्रोटेक्ट रखेगा आपकी स्किन को, ठीक है ना। यूवी ए रेस और यूवी बी रेस से भी प्रोटेक्ट रखेगा। और इसमें जो है ना, एसपीएफ 30 का एक सनस्क्रीन है, 45 का है, 60 का है, 90 का है। एसपीएफ फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये कितनी देर तक आपको सन की जो यूवी बी रेस है ना, उससे प्रोटेक्ट रखेगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एसपीएफ नंबर होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट रखेगा। और अगर आप घर में हैं तो 30 ले लें, कम सन में जाते हैं तो 45 ले लें, अगर थोड़ा ज़्यादा जाते हैं तो 60 या 90 ले लें, आप ज़्यादा सन में रहते हैं तो जितना ज़्यादा एसपीएफ नंबर होगा ना, उतना ज़्यादा आप उस सन में रह सकते हैं, ठीक है ना। अगर एसपीएफ 60 है तो 3 से 4 घंटे निकाल जाएगा, और अगर 90 है तो वो थोड़ा ज़्यादा निकाल जाएगा, 45 है तो थोड़ा कम निकाल जाएगा। तो अगर घर में रहते हैं तो फिर 30 भी इनफ है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा तो यूवी लाइट्स घर के अंदर नहीं आती, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना, इल्यूमिनेटर भी है, हल्का सा शाइन भी आएगा आपके फेस पर। अगर आपका कलर फेयर है ना, तो ये बहुत अच्छा है, आपको कोई बेस वगैरह मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, शाइन आएगा, ग्लो आएगा आपके फेस पर इसको यूज़ करने से। कोई दफ्तर वगैरह में भी जाते हैं तो आप इसको लगा कर चले जाएँ, आपके फेस पर जो है ना इंस्टेंट शाइन आ जाएगी। प्राइस की बात कर लें तो मेरे ख्याल से जो बड़ी पैकेजिंग है ना इसकी 650 MRP है। MRP थोड़ी ज़्यादा रखी है, लेकिन इनका जो ये सनस्क्रीन है ना, ये पैराबिन फ्री है। इसमें ये कहते हैं कि हमने प्रिजर्व करने के लिए कोई भी इसमें केमिकल यूज़ नहीं किए हैं। गोल्डन पर्ल के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैं इस वजह से करता हूँ, इनकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं और वैल्यू फॉर मनी होती हैं। लेकिन ये जो है ना, इन्होंने प्राइस इसकी सनस्क्रीन की थोड़ी ज़्यादा रख दी है। चलें,
आप अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो इसको ज़रूर थोड़ा कम करें प्राइस को, ताकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग अफोर्ड कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं स्किन केयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी करता हूँ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।